हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक जवाहर जैकेट काटने जा रहे हैं। तो लेंथ है 27, चेस्ट है 40, वेस्ट 39, हिप 40, शोल्डर 17, नेक 16 है। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिन लोगों को लेडीज़ टेलरिंग सीखना है वो मेरे नए चैनल लेडीज़ फैशन को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हम बिगनर्स के लिए लेडीज़ काम सिखाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे निशान लगाए और ये मार्जिन रखना है स्केल के बराबर। और उसके बाद में आप यहाँ से 1 इंची छोड़ करके ये निशान लगाना है। जैसे हमारी लंबाई 27 है तो ये बैक कटेगी तो बैक की लंबाई 27 ही रहेगी। आर्मोल हमारा 10 इंच उतारना है। कमर का निशान 17 इंच पर है और इस निशान को अब एल स्केल से खींच लें ऐसे इस तरह से। अब हमारे को कमर का शेप देना है जो सेंटर्स में होता है, तो 2 सेंटीमीटर ऐसे। और इस निशान को इस निशान से यहाँ से इसको ऐसे मिलाएं और ये जो हमने आर्मोल उतारा है 10 इंच पे उसका आधा हो गया 5 इंच और आधा इंच नीचे उतार के 5.5 इंच पर ये हो गया हमारा क्रॉस बैक का निशान। तो क्रॉस बैक का निशान भी ऐसे उठाएं। उसके बाद आप ये इस निशान को इस निशान से यहाँ मिला दें ऐसे और इसको हल्का सा यहाँ से। अब जैसे हमारी चेस्ट 40 है तो 40 का चौथा हो गया 10 इंची और लूजिंग हमें रखना है 3 इंच की। तो 3 इंच का 4 हिस्से करने हैं इसमें, तो 1.5 इंची हो गया आधा इंच मार्जिन का, तो ये 1.25 इंची रखना है। हिप हमारा वेस्ट जैसे हमारा 39 है तो 39 का चौथा 10.25, यहाँ पर भी 1.25 इंची। हिप है 40 तो चौथाई 10 इंची और ये 1.25 इंची। यहाँ पे लूजिंग एक जैसा रखना है कमर पे, हिप पे, चेस्ट पर। शोल्डर हमारा 17 है तो 17 का आधा 8.5, आधा इंची प्लस करके निशान लगाना है, ये हो गया 18 इंच पर। तो इस निशान को इस निशान से यहाँ 1.5 इंची अंदर निशान लगाना है। उसके बाद में आप ये 10 इंची तो 1.5 इंची बैक डाउन होगी और ये हो गया 40 का टीक का निशान हमारा 3.25 इंच हो गया। 1 इंची ऊपर उठाना है ये इस निशान को यहाँ मिलाओ और ये ऐसे ये वाला निशान इस निशान से मिलाना है ऐसे। और यहाँ से राउंड करना है ये आर्मोल ऐसे।
साइड में मार्जिन हमें 1 इंच का रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तीरा हमारा है 17 इंची, चेस्ट है हमारी 40, वेस्ट है 39, हिप 40। तो ये दोस्तों हमारी बैग कट गई है। दोस्तों सामने काटना है, सामने का निशान है ऐसे लगा लो, स्केल किनारे से स्केल मिला करके ये हो गया। अब आप नीचे मार्जिन छोड़ दो इतना, कम से कम 3 इंची। ये उसके बाद ये बैग रखो, आप बैग को नीचे मिला करके निशान से। और ये निशान उठा लो सीधा सारे। ऐसे इस निशान को यहाँ मिला और इसको ऐसे, और ये लंबाई हमारा हो गया 27। तो 27 से बैक कटी है, तो आधा इंच चाहिए हमें सामने में बढ़ा के रखना है मार्जिन के लिए। 40 है तो हम स्केल के हिसाब से ये रखते हैं, गले का टिकन उसका हाले का 5 इंची हो गया, 5 इंची। नेक हमारा जैसे 16 है तो स्केल के हिसाब से हम लोग काटते हैं, तो 16 है तो ये 16 पे यहाँ आएगा निशान ऐसे। यहाँ आप 2 इंच डाउन करें और ये भी यहाँ से हाला गले का 16 इंच पे, 16 है तो 16 का आता है स्केल के हिसाब से रखते हैं हम लोग। और ये 1.25 इंच अंदर यहाँ से कॉलर चढ़ेगा, इस निशान को यहाँ मिलाओ और इसको हाले का निशान ऐसे बनाना है। और 3 सूत ये इसमें मार्जिन रखना है ऐसे। उसके बाद ये हाला आगे से सामना मारना होता है 1.25 इंच जो निशान लगाया था हमने। अब सामना डाउन होगा हमारा 2.25 इंची। इसको यहाँ मिला करके
बराबर से निशान यहाँ लगाना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लो निशान को। जैसे हमारे चेस्ट 40 है तो 10 इंच चौथा हो गया, 1.25 इंच आगे निशान लगाओ। 39 वेस्ट, 1.25 इंच बाहर। हिप 40 है तो यहाँ पे 1.25 इंच आगे निशान लगाना है लूजिंग के लिए। अब इस निशान को यहाँ इस निशान से मिला दो ऐसे। बाकी निशान ये कमर, हिप का कमर से और कमर का चेस्ट से मिला दो। अब हमें इसको आर्म इसका 2 इंची अंदर एक निशान और लगाना है ऐसे, इस तरह से। अब ये 1.5 इंची हमें इस निशान से ऊपर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से 1.25 इंची, फिर 1.5 इंची अंदर पॉकेट का निशान लगेगा। ये 4 इंची का पॉकेट हो गया हमारा, ऐसे निशान को यहाँ मिला दो इस तरह से। अब ऊपर से पॉकेट का निशान 20 इंच पे ये लगाना, और इधर यहाँ साइड से 2 इंची रखें। अब उसके बाद यहाँ पर 5.5 इंची पॉकेट रहेगी। 11 हमारा 3 इंची पे, यहाँ से भी 0.5 इंची इधर उठा के ऊपर। तो ये ऐसे हमारा ये पॉकेट का निशान हो गया। अब हमारे को ये निशान डाउनिंग का लगाना है, और ये निशान यहाँ हमें मिला देना है ये ऐसे। ये हो गई हमारी तख्ती। ऐसे यहाँ नीचे ये स्केल के बराबर ही निशान लगाए तो मार्जिन का। सामने में तो कोई मार्जिन होता नहीं है, नीचे घेरे में रखना होता है मार्जिन। और अब इसको इस निशान से काट लें। यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सामना, और ये है हमारी बैग ऐसे। तो दोस्तों ये जवाहर जैकेट हमारी कट गई, और आप लोग हमारा चैनल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।